आम तौर पर कहा जाता कि बंदा जो बोलूगा ये मूँह के बचों गंद ही निकलूगा, जो बंदा जो बोलूगा ये मूँह के बचों कुछ खतरनाक ही निकलूगा, क्रूरता पैदा करने वाला निकलूगा। बहुत सारे हिंदुस्तान से इन्होंने करैक्टर है ने, योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक है। योगी आदित्यनाथ ने जोड़ा हूँ बोलिया, जेकर कोई होर बोलता विरोधी विचार वाला बंदा बोलता हो सकता हूँ जेल च होंगे, हो सकता हूँ जोड़ा है उन्होंने कोई सज़ा हो जाएगी होंगी। सर्जन लिमाम ने सिर्फ यही गल आखी थी कि असी अपनी गल मनवाण के लिए सरहद को सील करांगे, उत्थे धरना लावांगे, जेल च पिया बंदा। हालांकि सरहद को सील बीजेपी ने किया 2008 के अमरनाथ यात्रा के वेले, कोई चक्कर नहीं उदों कर सकती सी बई, वह तो कर दिता अगले ने, कोई चक्कर नहीं। लेकिन कोई होर बोलूगा सज़ा। योगी आदित्यनाथ का जिहड़ा बयान है वह खतरनाक है। योगी आदित्यनाथ की कह रहा, जौनपुर के एक चोण रैली दौरान कह रहा कि जिहड़े बंदे लव जिहाद करते हैं, लुक के लव जिहाद करते हैं, उन्हों की राम नाम सत यात्रा निकलने वाली है। भी किसी बंद ने किसी होर धर्म की औरत नाल व्याह किया, इस मामले अजे तक फांसी की सज़ा नहीं हैगी, ये सानू पता है, तुहानू भी पता है। फिर जदों कह रहे कि राम नाम सत की यात्रा निकलूगी, इहदा मतलब सीधे तौर पर उन्होंने लोगों को उकसाउण लई है, कट्टरवादी लोगों के तुम मुसलमान भाईचारे के नौजवानों का कतलेआम करो, उन्होंने जिन्होंने अंतर धर्म विआह कराया होया, अंतर धर्मी विआह करवाया होया। हुण सवाल है कि लव जिहाद वर्गे मुद्दे के उत्ते कई सालों की बीजेपी राज कर रही है। पहली गल दो शब्द ने देखो, एक तो लव, लव मैंने हुंदा प्यार, जिहाद मैंने हुंदा पवित्र धर्म युद्ध। हुण लव दा ते लड़ाई दा कोई आपस विच मेल तो है नहीं। ये कहा जाता कि देखो जी ये धारणा की दिती जाती है, सब तो पहले धारणा नूं समझण की लोड़ है। आम तौर पर जिन्ने लव जिहाद के मामले आए ने सारे बोक्स निकले ने, तो इस तरह का कोई ये कोई टर्म है नहीं गी लव जिहाद वाली, पहला ये स्पष्ट कर देना जरूरी है। दूजी चीज़ यह हैगी है जो समझने वाली चीज़ है, वो ये हैगी है कि लव जिहाद का ये रौला पा रहे ने। लव जिहाद बारे इन्हों का फर यह मानना हैगा कि मुसलमान मुंडे ने अपने बाल चौपड़ के रखते हैं, एनक उनक ला के रखते हैं, तो हिंदू कुड़ियों को प्रभावित कर लेंगे ने, तो हिंदू कुड़ियाँ उन्होंने शकल देख के उन्होंने बॉडी देख के प्रभावित हो जाए। भी फिर मुसलमान मुंडे क्यों करते हैं, हिंदू मुंडे क्यों नहीं करते? हिंदू मुंडे भी तो टाई ला सकते हैं, बोधियां बाह सकते हैं, तो प्रभावित कर सकते हैं, तो मुसलते कुड़ियाँ जड़िया प्रभावित हो जाए। इसलिए जी लव जिहाद करते हैं गिण मित के। तो योगी आदित्यनाथ इदू पहला एक होर बोली भी बोल चुका, वह बोली कि बोल चुका कि जे साड़ी एक कुड़ी लैके जाएगी असं उन्होंने चार कुड़ियाँ लैन लवेंगे। इदू बिना एक होर भी बोली हो चुकी है, वह संघ प्रचार करता रहा मुंबई के भी, वो कि बहू लाओ बेटी बचाओ, मसलन कि मुसलमानों की कुड़ी तुम चक लियाओ तो थोड़ी कुड़ी बचूगी, हउआ खड़ा करना भी थोड़िया कुड़ियाँ ता ही बचनगियाँ जे मुसलमानों की कुड़ी तुम नहीं चकोगे। कहने का मतलब भी औरत की होनी का जोड़ा फैसला करने वाला मर्द है, वह भी हिंदू मर्द, भी हिंदू मर्द ही डिसाइड करेगा कि उन्हें विआह कित्थे करना है। पहली गल लव जिहाद जिहड़ा जिन्हों बवाल नूं बना रहे ने, यह गल समझण दी लोड़ है कि लव जिहाद है जिहड़ा वह हिंदू औरत दे विरोध दे विच खड़ा है। वह क्यों खड़ा? पहली गल तो तुसी आप देखो ना कि ये औरत नूं इस तरह समझदा भी औरत इन्नी ना समझ है, मूर्ख है, वह किसी मुंडे दियाँ सोहणियां मुछां देख के, शेव कीती हुई देख के, टाई शाई लाई देख के, बोधे बाहे देख के उहदे तों प्रभावित हो जूगी। ये मतलब एक वह साइकी है मर्द की जिहड़ी औरतों बारे उन्हें बनाई हुई है, भी अच्छा औरत तां ऐ इंप्रैस हो जाती है, मतलब औरत का कोई दिमाग नहीं है। ये हिंदू औरत की बेइज्जती कर रहे हैं जिहड़े हिंदू औरत नूं बचाउण की गल कर रहे हैं। अच्छा दूजे पासे ये औरत दे उस अधिकार उत्ते हमला है जिहड़ा उन्हें लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार दिंदी है। भी प्यार हुण यह पुछ के तो हुंदा नहीं भी चंगा भाई ये मुंडा हिंदू आ मैं इहदे नाल विआह कर प्यार कर लाँ, ये मुसलमान आ मैं इहदे नाल प्यार कर लाँ, प्यार इदां नहीं हुंदा हैगा। प्यार एक जज्बा वा, वह किसी धर्म किसी जात ते ही बंदे नाल हो सकता, किसी औरत नाल हो सकता। सो इस करके ये जज्बियां नूं समझण लई दिल चाहीदा, सूखमता चाहीदी है, कोमलता चाहीदी है, जो कि योगी आदित्यनाथ वर्गे महंत गुंडे दे अंदर नहीं हो सकदी। अज का गुंडा जे मुख्यमंत्री बन गया तो इहदा मतलब यह नहीं कि वह पवित्र हो गया, वो गुंडागर्दी के केस बथेरे ने। हिंदू वाहिनी सेना योगी आदित्यनाथ की हाजिरी में कुछ समय पहला बयान दिंदी है कि मुसलमान औरतों को कबरों चो कढ के उन्होंने रेप किया जाए, ये योगी आदित्यनाथ ही बोल दी सेना ही बोल रही है। योगी आदित्यनाथ हिंदू औरतों बारे ये कह रहे हैं कि जे मेरा बस चले तो मैं हिंदू दंपतियों को जेल च सट्टा जिन्ना चिकर छे छे न्याणे नहीं जमते उन्ना चिकर मैं बाहर नहीं कढ़ांगा। ये भी योगी आदित्यनाथ का ही बयान है। योगी आदित्यनाथ का बयान औरत बारे यह भी है कि औरत दी काम इच्छावां काबू च रखने लिए उन्होंने मर्द का डंडा होना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का यह भी बयान है कि औरत है जी औरत की ऊर्जा सही दिशा च लगे इसलिए उसके कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कारण की है योगी आदित्यनाथ वर्गे गुंडे जेडे कि मुख्यमंत्री बन चुके वा
ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਰਐਸਐਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਜਾਓ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈਗਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਯੋਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।